नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी राइटिंग के बारे से कुछ सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने एनिमल पेंट लिया है लिखने के लिए। और जब भी आप कोई भी पेंट लें लिखने के लिए, तो ब्रश को अच्छे से साफ करें। लाइन खींचते वक्त ध्यान दें, ऊपर से ना खींचें। ये जो लाइन का नीचे हिस्सा है, उसी को हल्का टच करते हुए लाइन को खींचें। और जैसे यहाँ पर जो तिरछी कट बना है, उसी एंगल से ब्रश को भी पकड़ लें और धीरे से दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ रामायण, तो जैसे मैंने र लिख लिया, उसके बाद कितना गैपिंग देना है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक ब्रश का गैपिंग मैं दे रहा हूँ। देखिए जैसे अब म लिखना है, तो म में थोड़ा इधर आता है ना, म का वो हिस्सा, इसलिए एक ब्रश से थोड़ा ज्यादा गैपिंग देंगे। र इतना बड़ा लिखा है, तो हमें उतने में माँ को लिखना है। ठीक है, माँ को देख लीजिए, इसलिए एक ब्रश से थोड़ा ज्यादा गैपिंग आएगा। और हमें ये जो लकीर के बीच गैप देना है, उसको एक ब्रश कर रखें। जितना गैप यहां रखें, उतना यहां पर रखें। अब मैंने रामा लिख लिया, यह लिखना है इतना ही बड़ा, तो थोड़ा गेप कर देंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पर और यहां पर जो गेप है, उसको यहां पर भी मेंटेन कीजिए। ये गैप यहां पर मेंटेन करिए। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि एक लकीर के बाद एक लकीर का डिस्टेंस जो गैप है, वो देने की कोशिश हमेशा करेंगे, या उससे थोड़ा कम रहेगा तो भी अच्छा है, लेकिन एक लकीर से ज्यादा डिस्टेंस गैपिंग नहीं होना चाहिए, उससे हमारा राइटिंग जो है खराब लगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अक्षर लिखना सिखाया था, क ख ग घ जो भी है, लेकिन आपको शब्द लिखना नहीं सिखाया था, जैसे कि ये रामायण। शुरुआत में ऐसा होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि हम कैसे लिखें, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो हमसे ये गलतियां होती है। जैसे र लिखा, र बनाना सीख गया, लेकिन कितने हिस्से में क्या बनाना है वो नहीं सीखा। लकीर हमसे सीधी खींची नहीं जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो शुरुआत में हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, शुरुआत में हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो अनुभव है वो बढ़ता जाता है और हम अच्छे से लिख पाते हैं। देखिए शुरुआत में ऐसा हो सकता है, आप इससे घबराना मत कि मेरे से नहीं बन रहा है करके निराश मत होना। आप लगे रहना और ध्यान से करते रहना, ब्रश पे कंट्रोल करना, थोड़ा ध्यान देना कि कैसे ब्रश चलाना है, तब जाकर आपका जो राइटिंग है वो ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दो रामायण लिखकर दिखाया। ठीक है, तो एक रामायण में मैंने
मैनेज किया, ये जो लाइन बना है उसको सीधा सीधा रखा, देखिए सभी लाइन सीधी हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। दूसरी जो बात है कि हर लाइन में मैंने जो पॉइंट बना हुआ है नीचे का जो नोक है उसको सही किया, तो इससे भी ये राइटिंग अच्छा लग रहा है। और तीसरी बात है जो राइटिंग का साइज है वो देखिए लगभग बराबर बराबर हिस्से में आया है। हमेशा तो बराबर नहीं लिख सकते, कोई राइटिंग बड़ा होता है कोई छोटा होता है। हिंदी राइटिंग में सभी जो राइटिंग हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे क बड़ा हो जाता है, र छोटा हो जाता है। आप गैपिंग का खास ध्यान रखें, ये जो गैपिंग है थोड़ा कम रखें और ये गैपिंग को एक लकीर के बराबर ही रखें। आप समझ गए ना, ये गैपिंग कम रखना है, इसको एक लकीर के बराबर ही रखना है। ये गैपिंग जो आता है उसको कम रखना है, ये एक लकीर के बराबर ही रखेंगे, तब जाकर जो है अच्छा लगेगा। और हम अगर इस बात को ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा राइटिंग ऐसे आएगा, अगर हम लाइन को सीधा नहीं खींच पाए, ये जो हमारा खड़ी लाइन है उसको भी सीधा नहीं कर पाए। तो इस तरह से होता है जब हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग लिखना, तो इस तरह की दिक्कतें आती है, जैसे मेरे साथ भी आया है। तो मैंने बहुत कोशिश किया, पेंटर लोगों से मिलते गया, उनसे पता चलते गया कि कैसे कैसे करना है करके, वो लोग मुझे सिखाते गए। तो उसी चीज को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह सुझाव जो मैंने आपको दिया है, ये बात जो मैंने आपको बताया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हर चैनल पे कमेंट करिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।